हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस बहुत ही खूबसूरत सनफ्लावर के फ्लावर के साथ। और देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिला हुआ है। तो आज का वीडियो हमारा सनफ्लावर पे नहीं है, आज का वीडियो अगेन हमारा एक विंटर प्लांट पे है जो कि है जरबेरा। जरबेरा फ्रेंड्स एक परमानेंट प्लांट की तरह रहता है ये भी हमारे गार्डन में। मोस्टली मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ ऐसे ही प्लांट्स पे बना रही हूँ जो कि विंटर के प्लांट है और परमानेंट हमारे गार्डन पे रहते हैं, और उन्हें हमें फिर से सीज़न आने पर किस तरीके से रेडी करना है इस पर मैं वीडियो सीरीज़ वाइज बनाती आ रही हूँ। आपने अगर पुराने व्यूअर है तो देखा होगा, और नए व्यूअर है तो आप एक प्ले लिस्ट है जो कि विंटर प्लांट प्रिपरेशन पे है, सीरीज़ पे है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो ऐसे ही एक प्लांट पे है जो कि है जरबेरा। तो ये है मेरे जरबेरा के कुछ सेव किए हुए प्लांट। हालांकि कुछ मेरे प्लांट रेनी सीजन में ख़राब हो गए और कुछ बच गए, और कुछ यहाँ वहाँ से मैंने फिर से कलेक्ट किए हैं। तो ये टोटल मिला के अब मेरे पास 4-5 पॉट है। तो कुछ इस तरीके से इनकी कंडीशन देखिए हो जाती है। ये इसकी कई सारी पत्तियाँ पीली हो जाती है, जिन्हें मैंने कुछ तो हटा दिया है, कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हमें करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है, तो प्लांट पे अगर एक्स्ट्रा वीड्स है तो उन्हें हटा देना है, और साथ में प्लांट पे जितनी मैच्योर लीव्स हैं जो कि डार्क ग्रीन या येलो कलर की हो जाती हैं, इन लीव्स को हटा दीजिए। तो उससे क्या होता है, प्लांट पे नई नई पत्तियाँ आएंगी जो कि हेल्दी और अच्छी ग्रोथ करेंगी। तो ये जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह से काफ़ी सारी पत्तियाँ मैं हटा चुकी हूँ, और कुछ मैं अभी आपको हटा के दिखा रही हूँ कि इन्हें हटा दीजिए। इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जो पत्तियाँ मैं पहले 4-5 दिन पहले हटाई चुकी हूँ, उसकी देखिए पीछे से जो डंडी रह जाती है वो कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने के बाद फिर उसे इस तरह से खींच के निकालो तो काफ़ी आसानी से निकल आती है। तो इस तरह से पूरे प्लांट को हमें थोड़ा हल्का कर देना है ताकि इस पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। और मैंने इस प्लांट पर मॉर्निंग में पानी नहीं दिया है, मैं अभी इवनिंग में वीडियो बना रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने पानी नहीं दिया है, तो इसलिए इसकी पत्तियाँ आपको झुकी झुकी सी लग रही होंगी। वैसे पानी डालने पे इसकी पत्तियाँ वापस फ्रेश हो जाएंगी। तो देखिए ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको डंडियाँ, ये मैं 2-3 दिन पहले ऊपर से हटा चुकी हूँ, और इस तरह से अब मैं इन्हें खींच के निकाल लूँगी। आप चाहे तो इस प्लांट को रूट डिवाइड करके और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसे रूट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाता है, इस तरह से इसकी रूट्स होती है। इस पर कोई स्टेम नहीं होती है, ये नीचे से ही मिट्टी से इसकी ये बेसिल शूट निकलती हैं, बेसिल स्टेम भी कहते हैं इन्हें। तो ये इसी तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है। दूसरा इसका प्रोपोगेशन होता है फ्लावर्स में, इसके जो फ्लावर होते हैं उनमें सीड इनके रहते हैं। तो काफ़ी आसानी से जिस तरह से गेंदे के सीड होते हैं, गेंदे के फ्लावर को हम डाल देते हैं मिट्टी में तो उसमें से प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं, सेम इसी तरह से जरबेरा का भी होता है। तो सारी पत्तियाँ इस तरह से पुरानी हटाने के बाद हमें मिट्टी की हल्की सी साइड से गुड़ाई कर देनी है। देखिए मेरे प्लांट गमलों की जो मिट्टी है वो पोरस है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इनकी गुड़ाई की हुई है। तो इस तरह से मिट्टी को हल्का कर देना है आपको। उसके बाद जो डालना है वो है ये पोटास। ये देखिए पोटास जो होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। केले के छिलके अगर आपने सुखा के रखे हुए हैं तो उन्हें पीस के डाल दीजिए, या फिर आप उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने जो है पोटास इन पर डाल दिया है। देखिए आप देख सकते हैं गमलों पर पिंक सा दिख रहा है, जो वो मैंने डाल दिया, थोड़ा थोड़ा ही डाला, एकदम थोड़ा थोड़ा सा। और साथ में जो मैं डाल रही हूँ वो है गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये देखिए इस तरह से मैंने पानी दे दूँगी, और मैं आपको इसका दूसरे तीसरे दिन का भी रिज़ल्ट दिखाती रहूँगी। साथ में मैंने इसमें क्लिपिंग ऐड की हुई हैं। तो अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। मैं यहाँ पे पोटास के साथ गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और ये मेरा प्लांट जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाए। ये देखिए 2 दिन के बाद आपको लग रहा है ना प्लांट काफ़ी हेल्दी और एकदम फ्रेश। उस टाइम पे पानी नहीं डाला था इसलिए भी उसकी पत्तियाँ झुकी हुई थी। अभी आप देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी फ्रेश, ग्रीन और हेल्दी लग रही हैं, और देखिए न्यू शूट्स, नई पत्तियाँ भी निकलना स्टार्ट हो गई हैं।
क्योंकि ये इनका सीज़न है, इसलिए ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, ये वो ही प्लांट है जो मैं अभी आपको दिखाती आ रही हूँ, और इनमें आप ग्रोथ देखिए, 2-3 दिन में ही इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम पुरानी पत्तियाँ हटाते जाते हैं प्लांट से, तो उसमें नई पत्तियाँ काफ़ी तेज़ी से आती हैं, और इसी तरह से इसमें काफ़ी तेज़ी से कलियाँ भी बनने लगती हैं। तो ये एक छोटी सी कली छिपी हुई थी प्लांट पे पत्ती के पीछे, जो कि मैंने अभी देखी। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से इसमें पत्ती कली बनी है, और इतनी बड़ी भी हो गई है, और इतनी ही तेज़ी से ये फ्लावर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, 2 दिन और बाद का रिज़ल्ट, और आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, प्लांट पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। सिंपल सा फर्टिलाइज़र दिया हमने, इजीली अवेलेबल फर्टिलाइज़र दिया है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की नहीं है ज़रूरत इस प्लांट के लिए। थोड़ा सा हमने इसमें पोटास डाला है और लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला मैंने, गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र। उससे आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हुई है, और बहुत ही जल्दी आपको इस पर और भी फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल तो मेरे एक ही पॉट में फ्लावर आया हुआ है, जिसकी मैं क्लिपिंग आपको दिखा रही हूँ बार बार, जो कि छोटे छोटे से बड़ा होता हुआ गया है। मैं जैसे ही डेली मॉर्निंग में ऊपर जाती हूँ, तो मैं एक क्लिपिंग ले लेती हूँ अपने सारे ही फ्लावर्स की, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। तो फाइनली हमारा फ्लावर जो है इतना बड़ा हो गया है, और ये और भी बड़ा होगा। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरबेरा प्लांट के बारे में, कि किस तरीके से हमें अपने पुराने प्लांट्स को फ्लावरिंग पे लाना है, हेल्दी बनाना है, किस तरह से उनकी केयर करनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और साथ में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब